नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल पर। मैं पंडित नरेशचंद शर्मा। तो मेरा आज का विषय रहेगा कि ऐसी रेखाओं वालों को नहीं पहनना चाहिए मोती, वरना होगा मानसिक विकार का सामना, डिप्रेशन का सामना, आत्महत्या का सामना, नदी में कूद करके मर जाना। इस तरह की कई स्थितियां और कई बार देखा जाता है कि बहुत रक्त से संबंधित रोग जो होते हैं। तो मेरा आज का जो विषय है, इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि मोती एक ऐसा विषय है, मोती एक ऐसा रत्न है जिसको लगभग अगर किसी भी मंदिर के पंडित के पास आप चले जाएं और के पंडित जी मुझको बहुत अशांति रहती है, मेरे मन के अंदर बहुत टेंशन रहती है, या किसी परिवार के व्यक्ति को आजकल परिवार में कहते हैं कि भाई मुझे बहुत मानसिक अशांति रहती है, मुझे रात भर नींद नहीं आती है, मुझे डिप्रेशन रहता है, मुझे अवसाद रहता है, तो इसके लिए क्या करें? तो घर के ही जो लोग हैं वो भी और मंदिरों के पंडित हैं वो यही सलाह दे देते हैं कि भाई आप एक काम करो, एक बढ़िया सा मोती पहन लो। तो मोती पहन लो और मोती के बाद आपको मानसिक शांति मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं। यदि आपने ऐसी हाथ की रेखाएं जो मैं बताने जा रहा हूं और उस स्थिति में यदि आपने मोती पहन लिया, तो विश्वास मानिए कि पहले तो केवल आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि डिप्रेशन रहता है, उसके पहनने के बाद तो व्यक्ति आत्महत्या की तरफ अग्रसर हो जाएगा, इतना पागल हो जाएगा कि उसे पागल खाने में भर्ती करना पड़ेगा, पूरे घर में कलेश हो जाएगा, बहुत अशांति छा जाएगी जीवन में, पूरा जीवन त्रस्त त्रस्त हो जाएगा। तो चलिए मैं बताने वाला हूं, आइए आपकी इस कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली के अंदर ये जो ज्ञान की उंगली का टावर है, इसके अंदर मोती को पहनाया जाता है। ये आप सभी जानते हैं कि ये जो कनिष्ठा उंगली छोटी वाली उंगली है, इसमें मोती को पहनाया जाता है और चांदी में इसको पहनाया जाता है। लेकिन इस पर कोई भी किसी तरीके का शुभ अशुभ चिन्ह है, ये तो आप ये समझ लीजिए, इस पर मोटे रूप से, मैं मोटी बात बता रहा हूं, मोटे रूप से यदि आपको इस पर कोई भी काला तिल मिल जाए, या बहुत मोटे रूप में कोई क्रॉस का चिन्ह मिल जाए, या कोई दीप मिल जाए, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना है। यानी कि अगर आपको ऐसा मिल जाए किसी भी पर्व पर, और आपको ऐसा दीप मिल जाए किसी भी पर्व पर, या आपको काला तिल मिल जाए, तो आपको किसी भी स्थिति में आपको यहाँ पर मोती धारण नहीं करना है। अगर आपने इन स्थितियों के अंदर मोती धारण कर लिया, तो आप निश्चित समझ लीजिए कि जो जो बातें मैंने आपको पहले बताई हैं, उन बुरी बातों का आपको सामना करना पड़ जाएगा। एक दूसरी बात, यही स्थिति यदि आपके इस पर्व पर भी मिल जाए, यानी यहां भी कोई आपको काला तिल मिल जाए, कोई बड़ा एक्स का चिन्ह मिल जाए, या किसी भी प्रकार से कोई इस तरह से रेखा आ रही हो और उस पर कोई बड़ा दीप बन जाए, तब भी आपको यहां पर मोती रत्न धारण नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि आपके पूर्व चिन्ह के ऊपर इन अशुभ चिन्हों में से कोई सा भी अशुभ चिन्ह विराजमान नहीं है, तो आप हाथ की रेखाओं से भी देख सकते हैं कि क्या हमको इस रत्न को धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए याद रखें, सबसे पहले आपको यहां पर आप जानते ही हैं आयु रेखा है, यहां पर आप जानते ही हैं हृदय रेखा है, लेकिन एक रेखा ये होती है बुद्धि रेखा। बुद्धि का चंद्रमा से बहुत गहरा संबंध है। बुद्धि का आपकी वास्तविक मन मस्तिष्क नियंत्रण पे बहुत गहरा संबंध है। यदि किसी व्यक्ति की इस रेखा के ऊपर कोई भी दीप मिल जाए, तो कृपया करके छोटा दीप हो बड़ा दीप हो, व्यक्ति कृपया करके मोती धारण ना करे। यदि इस पर कोई भी आपको यहाँ किसी भी प्रकार का ब्लैक तिल मिल जाए, तो कृपया करके मोती धारण ना करें। तो यहाँ इन दो बातों का मोटे रूप से ध्यान रखना है, या इस पर लगातार यदि एक्स के चिन्ह है तो भी आपको मोती धारण नहीं करना है। एक और बात, ये भी स्पष्ट है, ये भी स्पष्ट है, परंतु उसके बाद भी डिप्रेशन है, तो मैं बताता हूं तो उसके लिए क्या है, कब ना पहने ऐसी स्थिति में।
देखिए मैंने बताया आपको कि यहां पर जो ये क्षेत्र होता है ये चंद्र क्षेत्र है, और चंद्र क्षेत्र को बहुत बारीकी से देखने पर आपको लगेगा कि यहां पर एक रेखा जो है वो इस प्रकार से लग रही है कि जिस तरीके से कोई बेल जा रही है, यानी कि आपको लग रहा है ये बेल जा रही है। यदि इस प्रकार की बेल जाने वाली रेखा, जंजीरदार रेखा यदि आपके यहां पर है तो भी आपको मोती नहीं पहनना है, वरना आप मोती पहन के देख लीजिए, आप अस्पताल में 24 घंटे के अंदर भर्ती हो जाएंगे। दूसरी बात, वही बात मैं कह रहा हूं, यहां पर यदि आपको दिखलाई पड़े कोई किसी भी प्रकार का काला तिल, तब भी आप ये बिल्कुल भी धारण ना करें मोती। तीसरी बात यह है कि यदि आप ये देख रहे हैं कि आपकी बुद्धि रेखा है और ये बुद्धि रेखा यहां से कुछ दूर जाने के बाद इस प्रकार से बन जाती है, बेल बनती है, ऐसे इस प्रकार से बेल बन जाती है, या आपकी बुद्धि रेखा पर किसी भी प्रकार से ये चलने के बाद इस प्रकार से और इस पर एक छोटा दीप बन जाता है, तो यहां छोटा दीप बन गया, तब भी आपको इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा, डिप्रेशन वाली स्थिति का। एक और स्थिति, यदि आपके यही रेखा पर आपको लगता है कोई रेखा इस तरह चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, यहाँ क्रॉस हो रहा है, कहीं पर ऐसे रेखा काट रही है, कहीं पर ऐसे रेखा काट रही है, यानी कि पूरी तरीके से चंद्र पर्वत पूरी तरीके से प्रभावित है, तब भी आपको इन स्थिति के अंदर किसी भी हाल में यहाँ पर मोती धारण नहीं करना है। तो मेरा विषय आज ये रहा आपको बताने का, और मैं बहुत ही बहुत प्यार से बहुत धीरे से समझाने का प्रयास करता हूँ हस्तरेखा के द्वारा, जिससे आप घर पर बैठे ही मामूली रूप से जान सके कि भाई हमको किस रतन से हमको नुकसान हो रहा है। तो मेरा आज का विषय रहा कि आपको यहाँ पर हस्तरेखा से कैसे जाने कि आपको जो है मोती रतन धारण नहीं करना है। तो आप कृपया करके इसको फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार।